आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थाना डौकी क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना डौकी के नगला आम खोद में उस समय सनसनी फैल गई जब 21 साल के छत्रपाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर एसपी पूर्वी सोमेंद्र मीना सहित पुलिस फोर्स पहुंच गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। मृतक छत्रपाल के भाई का कहना है जमीनी विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है वे मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में नदौता में रह रहे हैं। आज सुबह सर मैं ट्रैक्टर चला के खेत में अपने घर पर यार खोल रहा था। ट्रैक्टर से छोटे भाई के पास कॉल आई थी, उसने बोला मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस इतनी आवाज़ सुनी है मैंने उसके मुँह से। छोटे भाई का नाम क्या है? छत्रपाल नाम है। उम्र कितनी है इसकी? उम्र है मैं करीब 21-22 की। अच्छा, हाँ जी। क्या घटना रही है इसमें? गोली मारी है साहब। किन लोगों ने? चंद्रवान है, वकीला है, उसका एक चाचा है श्याम सिंह। कहाँ के निवासी है? चंद्रवान वकीला वैसे रहने वाले ये रसूलाबाद के ही है, ननौता में रहते हैं। इनसे क्या कोई पुरानी रंजिश है क्या? हमारी रंजिश साहब कोई नहीं है, रंजिश इतनी वो चाचा भतीजे की रंजिश ही, चंद्रवान की और वकीला की और श्याम की, खेती के पीछे सामान के पीछे। तो उनके मतलब विवाद में मेरा भाई चला गया। पुलिस ने परिवार के लोगों की तहरीर के आधार पर श्याम सिंह नवाब और वकील को नामजद किया है। पुलिस तीनों की तलाश में जुट गई है। श्याम सिंह नवाब और वकील की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। ऐसा बताया गया है कि जमीनी विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है लेकिन पुलिस हर पहलू को सामने रखकर जांच पड़ताल कर रही है। इसमें एक छत्रपाल नामक व्यक्ति की हत्या की गई है, गोली मारकर हत्या की गई है। 3 लोगों को नामजद किया गया है तहरीर में। 3 लोगों का नाम है श्याम सिंह और नवाब सिंह और वकील। इन लोगों के लिए टीमें निकाल दी गई है, दबिश दे रही है टीमें, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। और जैसे इस लड़के से क्या रंजिश चली है इनकी या कोई बात की, क्या इनका इस लड़के का क्या मैटर था? जस्ट ये जमीनी विवाद बता रहे हैं लेकिन अभी तहकीकात जारी है। जिस तरीके से भूमजीत के 21 साल के पुत्र छत्रपाल की गोली मार कर हत्या की गई उसने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारे गिरफ्तार होना चाहिए। देखना होगा कि पुलिस कब तक हत्यारों को गिरफ्तार कर पाती है। डॉकी से अपने साथी संदीप के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज।